तो हाँ जी, खिचड़ी बन चुकी है, गार्निश कर देते हैं। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पीनट्स। हाँ जी, नमस्कार है आप सभी को मेरी तरफ से। और बताएं कैसे हैं आप? मैं यहाँ ठीक हूँ, आई होप आप सब भी ठीक होंगे। जी, तो नवरात्रि के आपको दिनचर्या बता रही हूँ। ये शाम का वक्त है और मैं बना रही हूँ खाना। तो शाम उपवास का खाना बन रहा है। तो ये मैंने साबुदाना भिगो के रखा था, देखिए एकदम नरम हो गया है। यहाँ धनिया कट किया है, यहाँ पे आलू बॉयल करके कट कर रखे हैं, ये देखिए बॉयल आलू थे। यहाँ कढ़ाई को चढ़ा दिया है मैंने। यहाँ सिक रहे हैं अपने मूंगफली के दाने, जो इसमें डालूंगी मैं। एक हरी मिर्च कट कर लूंगी और फिर बना लेती हूँ साबुदाना। तो हाँ जी, यहाँ पे मैंने एक हरी मिर्च कट की है साथ में, और करी पत्ता हरा तोड़ना भूल गई थी, तो ये मेरे पास सूखा रखा हुआ है, इसको यूज़ कर लेंगे। ये भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा, तो ऐसी चीज़ें करके रखें पहले से ही। तो हाँ जी, सारी तैयारी हो गई है। सबसे पहले मैं बना लूँगी दही का रायता। तो यहाँ पे मैंने 1/2 किलो दही लिया है, और दही को अच्छे से बीट कर लूँगी। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत अच्छा वाला रायता बना रहे हैं, फ्रूट रायता। तो यहाँ पे मैंने ग्रेप्स कट किए हैं, मैं ग्रेप्स को डाल लूँगी। और थोड़े से काटे हैं मैंने बनाना, एक पूरा बनाना को मैंने कट किया है, बनाना डाल लूँगी। थोड़े डालूँगी अनार के दाने। हाँ जी, तो अनार के दाने एकदम स्वीट और मीठे होते हैं, इसलिए इसमें शुगर की ज़रूरत नहीं होती रायते में, क्योंकि सभी फ्रूट मीठे होते हैं। थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डालूंगी, सेंधा नमक डालूंगी। अभी डालूंगी इसमें काली मिर्च थोड़ी, एक कटी हरी मिर्च बिना तीखी वाली डाली है मैंने, आप तीखी डाल सकते हैं। थोड़ा सा धनिया डाला है मैंने इसमें, तो अभी डालूंगी थोड़ा सा मिंट पाउडर। मिंट पाउडर बना के रखें, ये रायते में बहुत ही अच्छे लगते हैं। थोड़ा डालूंगी क्यूमिन भुना हुआ, यहाँ पे भुना हुआ ज़ीरा भी डाला है मैंने, और धनिया से गार्निश करके अपना रायता रेडी है। मूंगफली के दाने ठंडे होने के बाद इसका पाउडर कर लूंगी मैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल लिया है, थोड़ा सा घी भी, उसमें डाला है मैंने 1 चम्मच ज़ीरा डाला है, करी पत्ता डाला है, थोड़ा सा धनिया हरा फ्लेवर के लिए डाला है, बहुत ही अच्छा लगता है। कटी हुई हरी मिर्च ले ली है मैंने। इन सबको देखिए हल्का हल्का फ्राई करूँगी, बहुत ही अच्छी फ्लेवरफुल खिचड़ी बनेगी उपवास की। तो हाँ जी, जैसे ही सब कुछ तड़क गया है, और मैंने कटे हुए बॉयल आलू डाले हैं, वो आलू को थोड़ी देर टोस्ट होने देंगे। थोड़े से रोस्ट होने से इनका स्वाद बढ़ जाएगा। अभी डालूँगी इसमें साबुदाना। तो साबुदाना डालते हुए गैस को मीडियम पे ही रखें, एकदम स्लो नहीं करें, नहीं तो ये अच्छे से नहीं बनते और चिपक जाते हैं। हाँ जी, बराबर हिलाते रहें इसको, और जब तक ट्रांसलूशन नहीं हो जाते, यानी एकदम आर पार नहीं दिखने लगता है, साबुदाना को हिलाते रहें। और अभी मैं डालूँगी टेस्ट के मुताबिक ब्लैक सॉल्ट, व्रत वाला सॉल्ट, आप चाहें तो चिल्ली यूज़ करते हैं, लाल तो थोड़ी सी डाल सकते हैं, मैं हल्की सी डालूँगी, क्योंकि बहुत सारे घरों में उपवास में ये नहीं डलती है। अब डाल दूंगी साथ में हल्का सा भुना हुआ ज़ीरा, और अभी मूंगफली जो मैंने क्रश की थी, ग्राइंड कर ली थी भून के, वो मूंगफली का पाउडर डालूंगी 3-4 चम्मच भर के। इससे अपनी साबुदाना की खिचड़ी एकदम बहुत बढ़िया वाली रेडी हो जाती है। तो हाँ जी, मूंगफली डालने के बाद में मैं इसको बहुत अच्छे से ट्रांसलूशन होने तक पका लूँगी, और ये ट्रांसपेरेंट हो गई है खिचड़ी अपनी। इसको अच्छे से हिलाते रहें, और ये चिपकनी नहीं चाहिए। वैसे भी जब भी हम मूंगफली के को क्रश करके डालते हैं, तो अपनी खिचड़ी चिपकती नहीं, बहुत खिली खिली बनती है। तो अपनी खिली खिली वाली खिचड़ी रेडी है, बहुत अच्छी टेस्टी वाली। अब मैं डाल लूँगी इसमें थोड़े अनार के दाने, और इससे फ्लेवर भी आएगा, टेस्ट भी बढ़ेगा। खूब सारा धनिया डालूँगी, बहुत ही अच्छा मज़ेदार खिचड़ी उपवास वाली रेडी हो गई बनके। आपको कैसे लगी मेरी रेसिपी, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पे आते हैं तो पूरा देखें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए गाइस।
हाँ जी, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे वाले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, जय माता दी।